हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आप लोगों ने ना बड़ी डिमांड करी थी कि हमें ना एक फेयरवेल वीडियो चाहिए जहाँ पे मैं आपको हेयर स्टाइल, आउटफिट और पता नहीं क्या क्या बताऊँ। तो मैंने सोचा सारे आइडियाज को मिला के एक वीडियो बना लिया जाए। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो लेकर आई जो आपके बहुत काम आने वाला है। तो आपको बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करो भाई और बेल आइकन भी प्रेस करो। और मैंने बातें बहुत कर ली है, आज के जो धमाकेदार आइडियाज है ना वो आपका वेट कर रहे हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ला 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 ला। ओ नो, मैंने अपर लिप पर थ्रेडिंग तो बनवाई नहीं। अगर अभी थ्रेडिंग करवाई तो स्किन रेड हो जाएगी, रेजर यूज करा तो स्किन इरिटेटेड हो जाएगी, अब क्या करूं? अरे हाँ, आइडिया। थैंक गॉड मैंने मार्केट से लास्ट वीक ये फेशियल वैक्सिंग स्ट्रिप्स खरीद ली थी। अगर आप भी लास्ट मिनट अपने फेस पर थ्रेडिंग और रेजर करने से बचना चाहते हो तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसे कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले मैंने स्ट्रिप को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ब्रॉड थी। अब आप इसे कुछ इस तरीके से पील ऑफ करें और रेडी है आपकी वैक्सिंग स्ट्रिप्स। अब मैं इसे छोटे छोटे पार्ट्स में अपने उस एरिया में अप्लाई करूंगी जहां से मुझे अनवांटेड हेयर को रिमूव करना है। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये लंबे घने बाल इस स्ट्रिप में कितने इजीली निकल कर आ गए। ये एक पेनलेस मेथड है, बस आपको हल्की सी एक चींटी सी काटेगी। तो बस इसी तरीके से मैंने अपने चिन और आईब्रो अराउंड जितने भी अनवांटेड हेयर थे ना उसे बड़ी आसानी से रिमूव कर दिया। जिस एरिया में आप इस स्ट्रिप को यूज करोगे ना वो थोड़ा स्टिकी हो जाएगा, सो डोंट वरी। इसके साथ एक इस तरीके का सैशे आता है, तो आपको जितना इस टिश्यू की नीड है उसे कट करके आप उस एरिया पे अप्लाई कीजिए और आपकी स्किन एकदम सॉफ्ट बन जाएगी। माय गॉड, आज तो हेयर वॉश करके मजा ही आ गया। लेकिन हेयर स्टाइल के लिए मैं आज क्या करूँ, अपने बालों को ओपन करूँ या फिर टाई कर लूँ? बिग कंफ्यूजन। अरे हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। आज हम अपने बालों को नेचुरल कर्ल करेंगे जिसके लिए मैं ये कर्लिंग जेल ले रही हूँ। इसे अपने हाथों में अप्लाई कर Thank you.
ये हुई ना बात, आज तो मैं सबसे ज्यादा हॉट लगूंगी। यारी नताशा कितनी ज्यादा स्टाइलिश और प्रिटी लग रही है। अरे यार यहाँ तो सारी लड़कियाँ एक से एक बन के आई हैं, अब मुझे कौन देखेगा। क्या आप भी ऐसी बेसिक साड़ी पहन के बोर हो चुके हो, तो चलो इसमें थोड़ा मॉडर्न तड़का लगाते हैं। टडा, तो मैंने यहाँ पे मेरे बेसिक ब्लाउज को टाटा बाय बाय कह के ऐसा सीक्वेंस मेशी टॉप को पहन लिया है। इस तरह के टॉप आपको ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन इजीली मिल जाएंगे। अपनी खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए मैंने एक गोल्डन इयररिंग्स भी ऐड करे हैं, और बालों में तो मैंने एक हाई पोनी टेल बना ली है। आपको पता है साड़ी के ऊपर हाई पोनी टेल बहुत ही ज्यादा क्लासिक लगती है। आप चाहो तो आप अपनी पोनी टेल को ना नीचे से हल्का सा कर्ल भी कर सकते हो, उससे भी आपका लुक बहुत ही ज्यादा एलिगेंट लगेगा। तो अगली बार अगर आप साड़ी पहनो तो ऐसे छोटे मोटे ट्विस्ट करके ना आप खुद को और भी ज्यादा स्टाइलिश दिखा सकते हो। बीइंग अ टीनेजर आपको भी बढ़िया नेल एक्सटेंशन कराने का मन करता होगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, और अगर करा लिए तो नेक्स्ट डे टीचर की डांट से कौन बचाएगा। सो डोंट वरी, मैं आज आपको एक मनी सेविंग नेल हैक बताती हूँ। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू प्रेस्ड ऑन नेल्स। इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा और देखा भी होगा। तो सबसे पहले आप इन फेक नेल्स को अपने रियल नेल्स पर अच्छे से मेजरमेंट कर ले। अगर ये साइज में थोड़े से बड़े हैं तो आप इनको हल्का सा फाइल कर सकते हो। अगर ये आपके नेल्स पे अच्छे से फिट होते हैं तो आपको फाइल करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे मेरे रियल नेल्स के अकॉर्डिंग फेक नेल्स को अच्छे से फाइल कर लिया है। अब मैंने अप्लाई करूंगी। तो अब आप इस ग्लू स्टिकर को अपने नेल पे प्लेस करें और उसके ऊपर की शीट को रिमूव करके नेल को कुछ इस तरीके से अप्लाई कर दीजिए। अब आप 5 to 10 seconds अपने नेल को होल्ड करके रखें ताकि वो अच्छे से आपके नेल के साथ चिपक जाए। एंड जस्ट लाइक दैट मैंने सारे फेक नेल्स को अच्छे से अप्लाई कर लिया। ऑनेस्टली बताऊं तो ये नेल्स मुझे नेल एक्सटेंशन से ज्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि इन्हें अप्लाई करना भी बहुत इजी है और इन्हें रिमूव करना भी बहुत ज्यादा सिंपल है। एंड लुक एट देम गाइस, इन्होंने मेरे हाथों को कितना ज्यादा प्रिटी बना दिया है। ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे ये नेल एक्सटेंशन से ज्यादा अच्छे लगते हैं। जब चाहे अप्लाई करो, जब चाहे रिमूव कर दो। So that's it for today's video guys. I hope आपको ये आज की वीडियो के लास्ट मिनट फेयरवेल आइडिया स्लैश हैक्स पसंद आए हो। अगर पसंद आया ना तो वीडियो में लाइक जरूर करके जाना, और इस वीडियो को शेयर भी करना, और जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, और मुझे कॉमेंट